Hello students, now we are going to study the numericals of the chapter of Goodwill, Nature and Valuation, and in this chapter now we are going to study the numericals of valuation of Goodwill by Super Profit Method by T.S.Grewal book from question number 17 to 29. And now let's start question number 17. तो क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले रीड करते हैं कि 17 में क्या लिखा है. तो 17 में बोला गया है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड वेन्यू इज 10 लाख. तो अनुज और वेन्यू की जो कैपिटल गिवन है इसमें 10 लाख गिवन है एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो 15% है और कह रहा है एनुअल सैलरी ऑफ पार्टनर 60,000 ईच. तो भैया ये सैलरी दी गई है 60,000 अनुज को मिलेगी, 60,000 वेन्यू को मिलेगी. अब जो सैलरी है ये सैलरी को हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सैलरी आपको गिवन है इसको हम रेमुनरेशन भी बोल सकते हैं. दोनों पार्टनर्स की 1,20,000 आएगी. द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 3,30,000 एंड 420 और गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें करना है. सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमने 4 स्टेप आपको बताए थे ऑलरेडी कि भैया सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट पता हो, एवरेज प्रॉफिट के बाद नॉर्मल प्रॉफिट पता हो, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल. तो यहाँ पे ये आपको 4 स्टेप लाइन से फॉलो करने पड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन आप सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे 3 ईयर जो गिवन है वो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड. इसमें प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपका दिया गया है 3,30,000 एंड 420. बस इस प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना होगा. क्यों? क्योंकि इसमें पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, रेमुनरेशन दे रहे हैं तो वो माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे 3 लाख में से 120 देखो 60,000 वन पार्टनर का है तो बोथ पार्टनर्स का आपका कितना हो जाएगा 1,20,000. तो 120 इसमें से माइनस 120 इसमें से 120 इसमें से तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी. तो इसका 180, 240 एंड 3 लाख. अब आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट करना है. इसको हम लोग ऐड कर लेंगे. ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो 7,20,000 आ जाएगी. अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट पर पहुंचते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, टोटल प्रॉफिट आपको जो गिवन है वो 7,20,000 जो हम लोगों ने अभी फाइंड करा है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की वो 2,40,000. हमें पता करना है नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. तो कहने का मतलब इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको गिवन है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूले बताए हैं दो, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक असेट साइड अप्रोच के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हालांकि सीधी कैपिटल ही गिवन है और जो आपने लाइबिलिटी साइड अप्रोच बताया था उसमें बताया था कि कैपिटल पार्टनर्स की ले लेंगे और प्लस उसमें रिजर्व कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस अगर कोई है तो. हालांकि कोई रिजर्व नहीं दिया गया है तो डायरेक्टली आप कैपिटल ही ले लेंगे. तो इसमें जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो आपको गिवन है 10 लाख रुपए आपको कैपिटल दी गई. तो आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 10 लाख रुपीज ले लेंगे और मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो भी क्वेश्चन में आपका गिवन है और उसकी वैल्यू 15% दी गई है अपॉन 100 इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,50,000. तो ये भैया आ गई आपकी नॉर्मल प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट पे पहुंचते हैं. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि भैया एवरेज प्रॉफिट में से हमें क्या माइनस करना है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना है. तो पता चल जाएगा कि हमारा सुपर प्रॉफिट क्या है. तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई आपकी 2,40,000 और माइनस कर देंगे 1,50,000. तो इस तरीके ये इसमें से ये माइनस. तो कहने का मतलब आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी सुपर प्रॉफिट की वो आपकी आ जाएगी 90,000. कितनी आ जाएगी 90,000. उसके बाद हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे. गुडविल में आपको बताया गया था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर. तो यहां पे सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 90,000 और मल्टीप्लाइड बाई जो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन है वो इस क्वेश्चन में आपको देखिएगा आपको थर्ड लाइन में लास्ट में गिवन है 2 ईयर परचेज लिखा है. आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी गुडविल की वो 1,80,000 और यही आपका आंसर माना जाएगा. कितना आ जाएगा 1,80,000 आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर. ओके
ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे के भाई 18 क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, रीड करते हैं क्या लिखा है 18 में। इसमें लिखा है गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। तो गुप्ता और बोस, यहाँ पे उनकी एक फर्म है और उन्होंने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, ये दोनों के मिला के हैं अभी कैपिटल इन्वेस्टेड की 50,000। आगे लिखा है ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, इनका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 16,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया गया है 15% दिया गया है और कह रहे गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। तो भैया सुपर प्रॉफिट से ही करना है क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट होगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल निकालनी है। तो आप खुद इसको सॉल्व करके देखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी आपको दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 16,000। कितना गिवन है 16,000। इसके बाद भाई जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड पे निकाल लेंगे तो 50,000 का 15% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 7,500 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट 16,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट 7,500 हम लोग कर देंगे माइनस, तो 16,000 में 7,500 माइनस होंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी वैल्यू आएगी 8,500 और इसमें बेटा दिया गया है 4 ईयर परचेज, तो 8,500 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल निकालने के लिए। तो इस तरीके से आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 34,000 और इसका आंसर भी आपको 34,000 गिवन है। आप आसानी से कर लेंगे, देखिए आपको न्यूमेरिकल्स हैं, आप जब तक खुद नहीं करेंगे आपको नहीं आएंगे वो, इसलिए आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं फिर। 19 में लिखा है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेघा, इन तीनों की कैपिटल गिवन है आपको 1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 15%, कह रहा था नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 30,000, 36,000 एंड 42,000। इसके बाद बोल रहा है गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ये भी आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट पता करना और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो सीधा सीधा टोटल प्रॉफिट करना है। टोटल प्रॉफिट जब हम लोग करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी 30,000, 36,000 प्लस 42,000, इनको ऐड कर लो और डिवाइड बाई 3 कर दो, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट के बाद फिर आप लोग निकालेंगे इसमें यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1 लाख। अब 1 लाख का कितना कर देंगे 15%, तो 1 लाख का इसमें ही 15% करा गया है, तो इस तरीके से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में वो 1 लाख का 15% आपकी आएगी 15,000। और इसके बाद आपसे बोला गया गुडविल का 2 ईयर परचेज के बेस पर कैलकुलेट करना है तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो इसका हालांकि जब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर आप यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वो 36,000 निकलेगा और एवरेज प्रॉफिट के बाद फिर आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आया वो आपका 15,000 आया, 36 में से 15,000 आप माइनस कर देंगे तो 21,000 बचेगा और 2 ईयर परचेज है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 21,000 में, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 42,000। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। चलिए फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं। फिर लिखा राकेश एंड अशोक अर्न्ड प्रॉफिट 5,000, और राकेश और अशोक का जो प्रॉफिट है वो कितना दिया गया 5,000, दे एम्प्लॉयड कैपिटल 25,000 इन द फर्म, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% ऑफ द कैपिटल। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है वो 15% दिया गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो भाई ये भी काफ़ी आसान है, बस आपको स्टेप ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। तो जो सिंपल है मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी मैं आपको जो भी जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा जो थोड़ा अलग टाइप के होंगे मैं आपको खुद अटेम्प्ट करवाऊंगा, उसको सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है इनका जो प्रॉफिट है बेटा 5,000, तो इस कहने का मतलब है जो मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं ये, क्वेश्चन नंबर 20
तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, 20 में नॉर्मल सी चीज दी गई है कि राकेश और अशोक का प्रॉफिट 5000, तो भाई ये इसी को हम एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे, कितना 5000, इसमें फाइंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि एम्प्लॉयड कैपिटल 25000 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो एम्प्लॉयड कैपिटल इनकी कितनी हो गई 25000 और मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें कितना गिवन है 25000 का आपको जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है वो 15%, तो इसका 15% आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर लो तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 3750। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 5000, इसमें से आप 3750 नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, अब जो वैल्यू आपकी आएगी वो 1250 आ जाएगी। इसके बाद हम लोग गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ गया 1250 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, देखिए कितना दिया गया है। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको सबसे लास्ट लाइन थर्ड लाइन में गिवन है, 3 ईयर परचेज, 3 से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3750 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हालांकि काफ़ी आसान है, बस ये 4 स्टेप आप ध्यान रखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से हम लोगों का हो गया। चलिए फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे कि क्वेश्चन नंबर 21 हमें किस तरीके से करना है। तो जब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग रीड करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21 में क्या लिखा हुआ है। तो 21 में बोल रहा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाई एक्स वाई जेड फर्म इज 36000 पर ईयर। ये आपको ऑलरेडी जो नेट प्रॉफिट दिया गया है वो आपको दिया गया है कितना 36000। इसके बाद फिर इसने बोला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 2 लाख और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। लेकिन यहाँ पे बेटा रेमुनरेशन और दिया है पार्टनर्स का, और इसमें लिखा है रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू वी 6000 पर एनम। तो ये सारे पार्टनर का 6000 है। अब ये रेमुनरेशन को एक्चुअल में क्या है कि जब एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो डायरेक्टली केवल इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, ये पार्टनर्स का हो गया रेमुनरेशन। तो आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा, कौन सा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो आपका आ जाएगा 36000 में 6 माइनस कर देंगे वो आ जाएगा 30000, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो भाई अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसमें जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी वो 2 लाख, और 2 लाख का हम लोग कितने परसेंट निकालना है 10%। तो 2 लाख का हम लोगों को 10% फाइंड करना है, तो जो आपका आ जाएगा 20000। एंड आफ्टर दैन वी कैन ईजली फाइंड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट आपका 30000 है, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर देंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट 20000। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी सुपर प्रॉफिट की, वो आ जाएगी आपकी 10000। और जब वैल्यू आ गई 10000, तो इस कंडीशन में हम लोग गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट आपका आ गया है 10000 और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, हालांकि आपको क्वेश्चन में गिवन है, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप देखिएगा 2 ईयर परचेज हैं, तो आप 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 20000 आंसर आ जाएगा, और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का 20000। हाँ जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन किस तरीके से निकालना है, तो 22 क्वेश्चन रीड करिएगा जरा कि 22 क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में देखिए क्या लिखा है। इसमें बोल रहा है आप पार्टनर से फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31st मार्च एज फॉलोस 18, 19 एंड 20। ये इनका बेटा दिया गया है नेट प्रॉफिट, तो ईयर है इनके, और इसके अलावा और क्या गिवन है, प्रॉफिट्स भी गिवन है। तो यहाँ पे 2018, 2019 एंड 2020। अब जो प्रॉफिट आपको गिवन है कंटिन्यूसली क्वेश्चन नंबर 22 में वो 17000, 20000 एंड 23000, 17000, 20000 एंड 23000, ये इसमें प्रॉफिट गिवन है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं।
आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000. इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 80,000 गिवन है, हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व 15%, इसका मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है ये. और इसके बाद लगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर. तो सुपर प्रॉफिट मेंशन जो हमें मतलब प्रॉफिट्स मेंशन है उनके बेस पे हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. और तो चलो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इनका टोटल कर लेंगे. तो आपको जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 60,000. टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 60,000. अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का आपको फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर यानी कि 3. तो इस तरीके से आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना 20,000. अब क्वेश्चन में जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप. तो इसमें क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भाई देखिएगा जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे जो गिवन है वो आपकी 80,000 गिवन है, उसका 15% निकालना है. तो 80,000 का 15% जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,000. अब सुपर प्रॉफिट पे पहुँचते हैं. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट आपका जो 20,000 आया है इसमें से हम लोग 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो आपकी फाइनली जो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 8,000 आ जाएगी. अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट जो आपका 8,000 आया मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जो हालांकि जो क्वेश्चन में आपको गिवन है और ये आपको गिवन किए गए हैं लास्ट लाइन में, स्टार्टिंग में 2 ईयर परचेज गिवन है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फाइनली जो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी वो 16,000 वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लेंगे आसानी से. ठीक है, तो चलो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 रीड करते हैं कि 23 क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो जब तक आप लोग 23 क्वेश्चन रीड करिएगा कि 23 क्वेश्चन हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है. सारे क्वेश्चन सेम हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको. तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 23 की. तो 23 में जो लिखा है इसमें लिखा हुआ है बिजनेस अर्न्ड एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख. देखो इसमें भी आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है और एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 8 लाख वैल्यू आपको एवरेज प्रॉफिट की दी गई है. आगे क्या लिखा हुआ है, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%. इसमें जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है वो आपको 10% गिवन है. और टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस 22,560,000. तो भैया इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी. अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. तो यहाँ पे टोटल असेट आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 22 लाख और लाइबिलिटी कितनी गिवन है आपको, तो लाइबिलिटीज आपको गिवन है 5,60,000. तो ये आप माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 16,40,000. ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई. अब एक्चुअल प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन था ही. चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. सुपर प्रॉफिट मेथड है और इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है और यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 16,40,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100 कर देंगे तो 1,64,000 ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट. इसके बाद हम लोग पता करेंगे सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अपना एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन था आपका 8 लाख. 8 लाख में से हम लोग 1,64,000 को माइनस कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 6,36,000. ये आपकी वैल्यू आ गई सुपर प्रॉफिट की. गुडविल निकालना है तो 6,36,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 बोला गया था, तो 2.5 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो 2.5 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 15,90,000 के अप्रोक्स. हाँ, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 15,90,000 आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 भी आसानी से कर सकते हैं. बस यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको फाइंड करनी थी जिसमें आपने टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी का फॉर्मूला
लगाया है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के। भाई 24 किस तरीके से करेंगे, तो 24 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 24 क्वेश्चन हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए सारे लोग, रीड करिएगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख। इसमें कैपिटल ऑफ शर्मा और वर्मा की आपको कितनी गिवन है, 2 लाख है। एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% और एनुअल सैलरी भी दी गई है 12,000 ईच। और इसके बाद द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, आपको लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट गिवन है 60,072 and 84,000। तो ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके प्रॉफिट्स गिवन हो गए हैं। अब भाई अब आपको ये ध्यान रखना है प्रॉफिट्स में से हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे सैलरी जो गिवन है, सैलरी गिवन है 12,000 ईच, तो 12,000 ईच का मतलब यहाँ पे टू पार्टनर्स हैं, तो 24,000 आपको इसमें से सैलरी माइनस करनी है। तो प्रॉफिट जो भी है उसमें से हम सैलरी माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी हमें पता करना होगा, जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। तो सैलरी कितनी माइनस करनी, 24,000 24,000 24,000। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 में से 24 आप माइनस करेंगे तो इधर पे 36,000, इसके बाद 72 में से तो ये 48,000, इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 60,000। अब आपको टोटल प्रॉफिट निकाल लेना है, तो टोटल प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा और कितनी वैल्यू आएगी, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 1,44,000 आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट 1,44,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर आपको जो गिवन है 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 48,000 आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट है। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड जो दी गई है, वो दोनों की कैपिटल देखिए आपको गिवन है और वो कितनी गिवन है, 2 लाख गिवन है और रेट ऑफ रिटर्न जो है 15% गिवन है। तो 2 लाख का हम लोग 15% पता कर लेंगे, 2 लाख का 15% कितना आ जाएगा आपका, 30,000। अब हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट जैसे कि आपका आया 48,000, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 30,000, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 18,000 वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता करना है गुडविल, तो गुडविल फाइंड करने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपको गिवन है 18,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको कितने गिवन है क्वेश्चन नंबर 24 में, इसमें 3 गिवन है, टू ईयर परचेज और लास्ट 3 एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें 2 ईयर परचेज बेटा गिवन है क्वेश्चन नंबर 24 में, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 36,000 वैल्यू आ जाएगी। तो आपका 36,000 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और 25 आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि 25 क्वेश्चन हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए पहले आप जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 25 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पे, 25 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो 25 क्वेश्चन में बेटा इसमें जो मेंशन है देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है ऑन 1st April 2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश। तो भैया कैश भी असेट है, तो भाई टोटल असेट जो हमारी मानी जाएंगी वो 75 ही मानी जाएंगी। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000, इसमें जो क्रेडिटर की वैल्यू है 5,000 गिवन है और द फर्म हैड अ रिजर्व 10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड हैव बैलेंस 60,000। तो यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पता कर लेंगे। क्या पता कर लेंगे, कैपिटल
इम्प्लॉयड. तो यहाँ पे चाहे कोई भी अप्रोच आप लगा दो, चाहे तो टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, क्योंकि यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जो आपको वैल्यू गिवन है 25 क्वेश्चन में, यानी कि टोटल असेट की वैल्यू गिवन है वो 75,000, और जो क्रेडिटर की वैल्यू गिवन है वो 5,000. तो 75,000 में से हम लोग, यानी कि जो क्रेडिटर्स गिवन हैं वो माइनस कर देंगे और वो आपको गिवन है 5,000. तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है. लेकिन इसका और एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने दूसरा और बताया था, और इसमें दोनों की ही इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो यहाँ पे जो पार्टनर्स की कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस उसमें कर देंगे हम लोग रिजर्व्स. तो पार्टनर्स की कैपिटल देखिएगा क्वेश्चन में, पार्टनर्स कैपिटल कितनी गिवन है. इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल आपको गिवन है 60,000, और इसमें रिजर्व दिया गया है 10,000. तो 60,000 प्लस कर देंगे हम लोग 10,000, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी हमारी 70,000. तो कोई भी कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी 70,000. आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000. भाई तो इसमें तो गुडविल आपकी ऑलरेडी गिवन है फर्म की, और गुडविल का वैल्यूएशन उन्होंने करा है 24,000 फोर ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट फाइंड एवरेज प्रॉफिट. तो भाई इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना, अभी हम क्या कर रहे थे, एवरेज से गुडविल पे जा रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा करना, कह रहा है कि आप यहाँ आओ, एवरेज प्रॉफिट हमें पता करके दिखाओ कितना है. तो इसमें बस जस्ट अपोजिट करना है, रिवर्स करना, पहले ये फॉर्मूला गुडविल का, फिर सुपर प्रॉफिट का, फिर नॉर्मल प्रॉफिट का, अपने आप मतलब धीमे ये रिवर्स करेंगे तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट. तो इसको आपको रिवर्स टाइप में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको गुडविल पता नहीं करनी है, इसमें आपको पता करना है क्या, एवरेज प्रॉफिट. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि गुडविल आपको गिवन है. गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर. तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है, वो गुडविल की वैल्यू आपको दी गई है लास्ट लाइन में 24,000, और इसमें सुपर प्रॉफिट हम लोग पता कर लेंगे इसके हेल्प से, और जो ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, वो क्वेश्चन में 4 गिवन है, और अब वो मल्टीप्लाइड वाली 4 हैं, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे. देख लीजिएगा 24,000 आपको गुडविल गिवन है और 4 ईयर परचेज गिवन है, ठीक है. तो मल्टीप्लाइड बाई वाले जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो डिवाइड की हो जाएगी, और यहाँ पे अपना सुपर प्रॉफिट बचेगा. तो सुपर प्रॉफिट की अब जो वैल्यू आएगी वो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6,000. अब सुपर प्रॉफिट आ गया, ये हमारा गुडविल का फार्मूला लगाया, सुपर प्रॉफिट मिल गया. अब हम लोग काय का फार्मूला लगाएंगे, अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे सुपर प्रॉफिट का. तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है कि भाई एवरेज प्रॉफिट और माइनस इसमें से कर देंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट. क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, तो अपने आप आ जाएगा. तो सुपर प्रॉफिट जो हमने निकाल लिया है, वो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे 6,000. एवरेज प्रॉफिट हमें पता नहीं है, वही चीज़ हमें पता करनी है. नॉर्मल प्रॉफिट क्या आपको पता है, नहीं है. तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, वो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो. क्या बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 70,000 मल्टीप्लाइड बाई, क्वेश्चन में आप देखिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है. तो क्वेश्चन में जो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है वो आपका दिया गया है 20%. कितना गिवन है, 20%. तो 20/100 कर दीजिएगा. तो इस तरीके से आप 6,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, और आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आया वो आपका आ जाएगा कितना, 14,000. अब ये माइनस के 14,000 हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इनको तो ये प्लस के आ जाएंगे, और इक्वल टू आ जाएगा अपना एवरेज प्रॉफिट. और इसके बाद हम लोग एवरेज प्रॉफिट पता करेंगे, तो ये ऐड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20,000, और यही इसका आंसर
आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देखते हैं, जो 20,000 ही आ रहा है, तो आप इस तरीके से आसानी से ये वाला क्वेश्चन लगा लेंगे। इसको आपको रिवर्स में लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें गुडविल नहीं पता करनी, इसमें एवरेज प्रॉफिट पता करना है। तो गुडविल से स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट तक जाने के लिए। ओके, तो चलिए फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 26 क्वेश्चन किस तरीके से करना है। 26 क्वेश्चन पे आइएगा सारे लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देख लीजिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है और एवरेज प्रॉफिट अपना कितना गिवन है, 2 लाख, ठीक है। और इसके बाद लिखा है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस 10%। इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है आपको। कह रहे हैं द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आगे क्या बोला है, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाई द फर्म। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो भाई जो आंसर गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब गुडविल का आंसर ऑलरेडी गिवन है, तो गुडविल का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। और जो गुडविल का फार्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में, वो कौन सा फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू आपको जो क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है, वो आपको गुडविल की वैल्यू दी गई है सेकंड लाइन में 2,50,000। कितनी वैल्यू दी गई है, 2,50,000। और सुपर प्रॉफिट यहाँ पे हमें पता नहीं है, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको 4 गिवन है, और 4 जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो यहाँ डिवाइड में आएंगे आपके, तो इक्वल टू आपको सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पता चल जाएगी। अब 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इस कंडीशन में जो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, ये आपकी आनी चाहिए 62,500। ये सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमें गुडविल का लगाया, सुपर प्रॉफिट आया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि भाई एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट से माइनस हमें करना होगा इसमें नॉर्मल प्रॉफिट। क्या माइनस करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज देखो, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हमारी 62,500 आ गई। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आपको गिवन है 2 लाख। कितनी गिवन है आपको, 2 लाख। तो आप 2 लाख रुपीज यहाँ पे लिख लेंगे और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू हम यहाँ ट्रांसफर कर दें, ये वैल्यू उधर ट्रांसफर कर दें, तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे प्लस में हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है उधर जाएगी तो माइनस में। तो यहाँ पे 2 लाख माइनस कर देंगे 62,500। तो इस तरीके से हमारी जो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आप माइनस करके देखेंगे इसको तो 1,37,500। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब भाई देखो, हमें इससे क्या मिल गया सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाने से, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप पता चल जाएगी। तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट का जब लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई हमें किससे करना होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अपॉन क्या कर देंगे, 100। तो यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू हमारी आ गई थी 1,37,500 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें बेटा पता करना है। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाइड बाई NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो 10% गिवन है। कितनी गिवन है, 10%, 10/100 कर देंगे। तो अब यहाँ पे जैसे वो दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर करें तो 1,37,500 और ये डिवाइड वाले इधर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पे 10, तो इधर पे आ जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब आप फाइंड करोगे तो 10 से 10 कट कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13,75,000। ये आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो इस तरीके से आप गुडविल की हेल्प से कैपिटल एम्प्लॉयड तक आप पहुंच सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
27 पे कि क्वेश्चन नंबर 27 हमें किस तरीके से लगाना है और 27 में आपको कुछ पास्ट एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 रीड करिएगा कि 27 क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आइएगा 27 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाई अ फर्म इज 1 लाख। इसमें एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है और जो आपको वैल्यू गिवन है वो 1 लाख दी गई है। विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इसमें ऑलरेडी है और ये बेटा कुछ नहीं लिखा कि कौन सा स्टॉक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन मानेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है तो उससे प्रॉफिट रिड्यूस कर गया होगा, इसलिए हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज बेसिस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 6,30,000। जो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको गिवन है वो 6,30,000 गिवन है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है 5%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 times ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। तो इसमें सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन था वो कितना गिवन था 1 लाख, लेकिन इसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लिखा, कुछ नहीं लिखा है तो भी अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक मानो इसको, ठीक है। और इसमें ये प्लस कर देंगे 40,000। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 आएगा। इसके बाद फिर हमें एवरेज प्रॉफिट हमने स्टेप फर्स्ट कर लिया, इसके बाद हम लोग क्या पता करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट पता करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी गिवन है, जो कैपिटल इन्वेस्टेड दी गई वो 6,30,000 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 5%। तो इस तरीके से इसका 5% हम लोग पता करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31,500। इसके बाद वही हम पहुंचेंगे सुपर प्रॉफिट पे, कहाँ पे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉन प्रॉफिट माइनस कर देंगे, 1,40,000 माइनस 31,500 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आपकी आनी चाहिए 1,08,500। ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब इसके बाद हम लोग गुडविल पता करेंगे, तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेंग ईयर, तो आपको इसमें 5 times गिवन, जो 5 times गिवन है उसी को लेंगे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5,42,500। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ जी 5,42,500। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 को आप आसानी से कर सकते हैं। अब लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कि 28 क्वेश्चन को कैसे करना है। तो 28 में भी एडजस्टमेंट है, तो 28 वाला क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे कि 28 वाला क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 28 में लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाई अ फर्म 7,50,000। इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 7,50,000। आगे लिखा हुआ है विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन स्टॉक, अब कुछ नहीं लगा कौन सा स्टॉक, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा, इसके वजह से इसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कितना माइनस करना है 30,000 माइनस करना है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो 7,20,000 वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 42 लाख और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है वो कितना दिया गया है 15%। 42 लाख का 15% पता कर लेंगे जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो इसका 42 लाख का 15% जब हम लोग पता करेंगे तो आपका आ जाएगा 6,30,000। और इसके बाद सुपर प्रॉफिट पता करेंगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 आया, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 6,30,000। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 90,000। और इसके बाद गुडविल पता करनी है तो 3 times लिखा हुआ है, तो 90,000 सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2,70,000 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ जाएगा 2,70,000 करेक्ट आंसर है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में भी कुछ एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को कि 29 क्वेश्चन आप किस तरीके सॉल्व करेंगे।
29 में लिखा हुआ है कि अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म. यहाँ पे आपके जो पार्टनर्स हैं वो अयूब एंड अमित हैं और पार्टनर इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल. उन्होंने किसको एडमिट करा है? जसपाल को इनटू द पार्टनरशिप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम, देखो डब्ल्यू ई एफ लिखा हुआ है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 20. दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स. और द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर आपको गिवेन है, आपको ईयर एंडेड दिए गए हैं, इसके बाद आपको कुछ प्रॉफिट्स गिवेन है. तो जो ईयर एंडेड गिवेन है उसमें 31 मार्च 2016, 17, 18, 19 एंड 20. इसके बाद नेट प्रॉफिट आपको जो गिवेन है वो 1,50,000, 1,80,000, इसके बाद आपका 1,00,000, फिर आपको वैल्यू गिवेन है 2,60,000, फिर आपको जो वैल्यू गिवेन है वो 2,40,000. अब आगे क्या लिखा है, देखो इसमें कुछ प्रॉफिट एडजस्ट करने हैं. तो यहाँ पे जैसे 18 वाला जो प्रॉफिट है उसको देखिएगा, उसमें क्या लिखा है, कह रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस. तो अगर एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड होता है तो उससे वैल्यू रिड्यूस कर गई होगी, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे कि 1,00,000 रुपीज़ को हम लोग ऐड कर देंगे. इसके बाद 31 मार्च 19 वाला देखिएगा, 19 में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन. तो एबनॉर्मल गेन को हम लोग माइनस कर देंगे, कितना गेन है 40,000. ठीक है, तो इस तरीके से पहले प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे. आगे लिखा है द फर्म हैज टोटल असेट गिवेन है, आउटसाइड लाइबिलिटी गिवेन है. तो टोटल असेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड पता करो, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवेन है ही, और कह रहा है कि गुडविल की वैल्यूएशन करके दिखाओ कैसे आएगी. तो पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करिएगा, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, और उनके हेल्प से आप लोग पता करेंगे क्या एवरेज प्रॉफिट. तो ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी 1,50,000, ये वाली वैल्यू आपकी सेम रहेगी 1,80,000. अब इसमें 1,00,000 ऐड हो गया तो ये आपकी वैल्यू हो गई 2,00,000. इसमें ये 40 माइनस कर देंगे तो 2,20,000. इसके बाद 240 ये वैल्यू आ जाएगी. अब आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट पता कर लो, यानी कि टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट. जब टोटल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है आपकी वो 9,90,000. अब इसके बाद जो 9,90,000 आ गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, एवरेज प्रॉफिट पता करेंगे. पहुंचते हैं फर्स्ट स्टेप पे. तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर. टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 9,90,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, इसको काउंट कर लीजिएगा 5 हैं. 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कहने का मतलब जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 1,98,000. सॉल्व करके देखिएगा, 1,98,000 आ रही है. नाइन लैख नाइन्टी थाउजेंड को आप डिवाइड करिएगा 5 से तो हाँ जी, तो 1,98,000 वैल्यू आ जाएगी. ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट के बाद हम लोग पता करेंगे क्या नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले पता होनी चाहिए. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को निकाल लेनी है. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो. 20,00,000 की असेट है, उसमें से आप 5,00,000 लाइबिलिटी माइनस कर दो आउटसाइड लाइबिलिटी, तो आपकी कितनी बची कैपिटल एम्प्लॉयड 15,00,000. 15,00,000 का कितने परसेंट निकालना है, 10%. इसका 10% पता कर लीजिएगा तो 1,50,000 वैल्यू आ जाएगी. अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. अब इसके बाद पता करते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट. क्या पता करते हैं, सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट 1,98,000 माइनस 1,50,000 अपना कर देंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट. नॉर्मल इसमें से ये माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा. तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 48,000 सुपर प्रॉफिट. आप गुडविल पता करेंगे तो गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन देखिएगा कितना गिवन है. आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ था और सेकंड लाइन में लिखा है 3 ईयर परचेज. तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपका आ जाएगा 144,000 आना चाहिए। तो 144,000 क्वेश्चन नंबर 29, हाँ जी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये सुपर प्रॉफिट मेथड के हम लोग क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।